मैं तमाम रिपब्लिक पार्टी ऑफ इंडिया अम्बेडकर के प्रधान साहब और सारे अहदेदारों का आज भारतीय जनता पार्टी को समर्थन देने लिए उन्होंने धन्यवाद करता है। उन्होंने जी आया कहना और मैं इस गल की खुशी है कि अज साढ़े साढ़े हिंदुस्तान के सब तो व्डे अंबेडकरी मैं तुम कह हिंदुस्तान के सब तो व्डे अंबेडकरी लीडर साढ़े केंद्रीय मंत्री मेघवाल साहब अज साढ़े उपस्थित है और असी क्योंकि असी जो शामिल होए हैं या असी इतने हैं असी सारे एक परिवार हाँ तो ये परिवार ने फैसला किया है कि यह इज्जत की लड़ाई है और ये परिवार इज्जत की लड़ाई नू जित च बदलेगा और मैं इस गल च कोई शक नहीं कि जदों भी कोई चैलेंज सामने आया और ये परिवार ने ये लड़ाई अपने मोढ़िया से चुक ली तो यू कोई हरा नहीं सकता और अज मैं ये महसूस करता है कि ये जित यकीनी हुई है साढ़े साथियों के आन के नाल और बहुत सारे लोग रोज़ शामिल हो रहे हैं और जड़े भी अज साथी साढ़े शामिल होए हैं चाहे विपन सबरवाल जी के जेडे होए दीदा साहब साढ़े बड़े बड़े लीडर है वो भी शामिल हो रहे हैं। मैं तमाम साथियों का धन्यवाद करना और उन्होंने सारियां जी आया कहना और मैं चाहवागा कि सानू सारे आशीर्वाद के तौर उपर मेघवाल साहब जड़े है वो इन्हों का स्वागत भी कर पार्टी वालों के ताड़े नाल संबोधित भी हो मैं इस अवसर पर सम्मानित मंच को प्रणाम करता हुआ बधाई देता हूं डीपीआई अंबेडकर को। डीपीआई पंजाब अंबेडकर लगाते हैं अब डीपीआई पंजाब प्रणाम किया वोट तो अंबेडकर ने अच्छा है। डीपीआई पंजाब के सभी पदाधिकारियों को बधाई देता हूं कि उन्होंने माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की नीतियों का समर्थन करते हुए भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार हमारे अटवाल साहब को समर्थन दिया है। मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं और शुभकामना देता हूं और ये विश्वास प्रकट करता हूं कि आपका निर्णय एकदम सही सिद्ध होगा आने वाले समय में। आप फैसला 10 मई को करें 13 मई को करें लेकिन आज जो आपने फैसला लिया है वो ऐतिहासिक फैसला सिद्ध होगा आने वाले समय में ऐसा मेरे को विश्वास है। दूसरा जो भी हमारे वाल्मीकि समाज के बंधु जिन्होंने आज भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की उनको भी मैं परिवार में स्वागत करता हूं उनको भी बधाई देता हूं और ये विश्वास दिलाता हूं कि भारतीय जनता पार्टी का पूरा मान और सम्मान मिलेगा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की नीतियों में एक जो पैरामीटर है वंचित को वरीयता कल भी उन्होंने मन की बात में कहा वंचित को वरीयता वंचित जो अब तक रह गए उनको हम प्राथमिकता देंगे। ये बहुत बड़ा मिशन हमारे बाबा साहब का भी था डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब का वंचित को वरीयता और ये मिशन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी लेकर के चल रहे हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि जलंधर के इस उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी जीत दर्ज करेगी। आज की इस घटना के बाद ऐसा सिद्ध हो गया। बोली भारत माता की जय भारत माता की जय। वक्त वक्त राजनीतिक से सामाजिक संगठनों का भी हरप्रीत सिंह हैप्पी शंकर तो हरप्रीत सिंह हैप्पी सैदुपुर तो लक्ष्मण सिंह सोता